पाइल्स का होम रेमेडी लोग करके जो ट्राई करते हैं दैट इज द वर्स्ट थिंग। जब पाइल्स अगर शुरुआत होती है तो शुरुआत में डॉक्टर से अगर कंसल्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और प्रोलैप्स, ऐसे पाइल्स के डिग्रीज रहती हैं। फर्स्ट डिग्री यानी में शुरुआत में साइंस रहता है कॉन्स्टिपेशन वगैरह, तो उस समय डॉक्टर से कंसल्ट करें। पेशेंट खुद का इलाज खुद करने का चाहता है तो वो गलत है, तो उससे अच्छा पाइल्स में शुरुआत में अगर दवा लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और कॉन्स्टिपेशन के लिए पेशेंट को कुछ ट्रीटमेंट लेनी है तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट, एक वाटी गर्म पानी में 4 स्पून प्योर घी और मिक्स करके पीना है रोज़ रात को। अगर घी पीएंगे तो घृतपान, आयुर्वेद में कहा गया है कि घृतपान से पूरा माउथ से लेके एनस तक स्निग्धता आती है, ऑयलिंग होने के कारण, ग्रीसिंग होने के कारण स्टूल चिपकता नहीं है और वहाँ पे पाइल्स के ग्रोथ होने का रुका जाता है। यह प्राइमरी स्टेज में जब ब्लीडिंग होता है तो निरंजन फल करके आता है, निरंजन फल का पानी में डुबो के पीने से ब्लड रुकता है। लेकिन कोई भी दवा के से अगर एक बार पाइल्स बढ़ गया तो ब्लीडिंग रुकेगा, पेन रुकेगा, लेकिन मास तो धीरे 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 बढ़ते ही जाएगा। इसके लिए जब अगर सेकंड डिग्री में पाइल्स आता है तो उसको डॉक्टर के कंसल्ट से ये प्रोसेस से उसको निकालना चाहिए, हो सके तो उसको अवॉइड करके मेरी प्रोसेस करेंगे तो उनको ज़्यादा बेटर फायदा होगा, क्यों रिकरेंस नहीं है। हॉस्पिटल में काट के फिर वापस, मेरे पास कलकत्ता से वगैरह लंबे लंबे से लोग आते हैं, दुबई से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करने को जाता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये अलग है, डिफरेंट प्रोसेस है। ये प्रोसेस में कोई भी रिकरेंस नहीं होने के कारण ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन बढ़ा हो और फिर मेरे पास आओ, ये नहीं, ये गलत है। उससे अच्छा पहले ही कुछ कंसल्ट करें तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा।